उदाहरण इस प्रकार है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में हमसे यह कहा गया है कि हम ऐसे प्रयोग के बारे में विचार करें जैसे कि एक ग्राम किसी रेडियो धर्मी सामग्री द्वारा एक सेकंड के अंतराल में उत्सर्जित अल्फा कणों को गिना जा रहा हो यह ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसमें कि एक ग्राम रेडियो धर्मी सामग्री का द्वारा एक सेकंड में कितने कण उत्सर्जित होते हैं परमाणुओं के विखंडन से उनको गिना जाना है यदि पूर्ववर्ती प्रयोगों के अनुभव से यह ज्ञात है कि औसतन तीन दशमलव दो अल्फाकण उत्सर्जित होते हैं तब यह उस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है तब दो से ज्यादा अल्फा कणों के उत्सर्जित न होने की प्रायिकता का अच्छा सन्निकट अनुमान क्या होगा तो यह प्रश्न में यह पूछा जा रहा है हमें पता है कि रेडियोधर्मी सामग्री जो है औसतन तीन दशमलव दो कण उत्सर्जित करती है आप समझ सकते हैं कि अल्फा कण का उत्सर्जन दशमलव में नहीं हो सकता लेकिन यह एक लंबे समय में जो हमने जो इस प्रयोग को किया है उस प्रयोग के औसत से हमको यह संख्या प्राप्त हुई इसलिए यह संख्या एक पूर्णांक नहीं है तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अल्फा कण का दो से ज़्यादा नहीं वो उत्सर्जित हो इसकी प्रायिकता क्या है तो आइए हम इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें यह ज्ञात है कि किसी भी अगर हम एक ग्राम पदार्थ लेंगे तो उसमें बहुत सारे अणु परमाणु होंगे उनकी संख्या आपको पहले से ही ज्ञात होगी कि किसी एक ग्राम रेडियोधर्मी पदार्थ में कितने परमाणु होंगे अब नंबर से आप जानते होंगे तो यहाँ पे वह विषय नहीं है तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी तो एन का मान बहुत ज़्यादा होगा और हमको यह बताया गया है कि अगर तीन दशमलव दो अल्फा कण निकल रहे हैं इसका मतलब तीन दशमलव दो औसतन परमाणु विखंडित हो रहे हैं जिसके वजह से अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो अल्फा कण के निकलने की या परमाणुओं के विखंडन होने की प्रायिकता होगी तीन दशमलव दो भागा एन तो यह तो प्रायिकता हो गई चूंकि एन का मान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यह बहुत अल्प प्रायिकता होगी यह दिखाने के लिए हमने बताया है कि अल्फा कण के उत्सर्जन या परमाणु के विखंडन की प्राय का मान बहुत अल्प होगा लेकिन वो शून्य नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं अब हमें इस जो प्रायिकता निकालनी है वो इस बात पे हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अल्फा कण के उत्सर्जन का अंतराल को हमने सेकेंड में मापा गया है अब चूंकि हमें बताया कि एक सेकेंड में कितने कण उत्सर्जित होंगे ये हमको पता करना है तो हम उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या को एक पाइजन यादृच्छिक चर, जिसका कि प्राचल या पैरामीटर का मान लैमडा का मान तीन दशमलव तो है से बहुत सानता से हाथ अनुमानित कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बताया पहले पद में कि प्रायिकता अगर हम इसे प्री से इंगित करें का मान है तीन दशमलव दो भागा एन तो इसका मतलब यहाँ अगर प्राचल का लेमडा का मान तीन दशमलव दो है तो हम लेमडा का मान को लिख सकते हैं एन गुणित पी तो यहाँ पी की संख्या बहुत अल्प है और एन यहाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए इन दोनों के गुणनफल से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो कि लगभग प्राचल है इस प्रायिकता के लिए इस प्रायतचर के लिए जिसका की मानती तो दिया हुआ है हमको तो हम देखते हैं कि इस प्रयोग में सबसे उचित जो प्रायिकता होगी वह होगी पाइजन यात्री चक्षर की प्रायिकता। तो अब हम इसको अनुमानित कर लिया कि कौन सा असत यात्री इस प्रयोग में या इस जो प्रश्न में ज़्यादा जाद, उचित होगा इस्तेमाल करना तो आइए बढ़ते हैं हम इच्छित प्रायिकता की ओर तो हम इच्छित प्रायिकता जो कि हमें दी हुई है यह है निकालने के लिए कि अगर एक्स यह इंगित कर रहा है कि वह कितने कण उत्सर्जित हुए तो उसका मान दो या दो से कम हो चूँकि दो से ज़्यादा नहीं हो ये इसका है तो हम इस प्रायिकता को लिख सकते हैं अन्य स्वतंत्र घटनाओं की जो कि किसी भी परमाणु का विखंडन दूसरे परमाणु से एक स्वतंत्र घटना मानी जाएगी तो इसको हम इस तीन अलग अलग छोटी प्रायिकताओं में तोड़ सकते हैं जो कि बताती है कि एक भी अल्फा कण नहीं उत्सर्जित हुआ या एक हुआ या दो हुआ यही ये तीन विभिन्न खंडों में तोड़ी जा सकती है इच्छित प्रायिकता। तो हमें यह पता ही है कि हमने ऊपर यह व्याख्या करके निकाल लिया है कि यह प्रायिकता एक पाइजन या थिक्चर की प्रायिकता दर मान से के माध्यम से निकाली जा सकती जिसका कि सूत्र आपने देख सकते हैं कि हमने अभी जो है वो पटल पे दिखाया है आपको तो इस सूत्र के माध्यम से इन तीनों प्रायिकताओं को हम निकाल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचल लेमडा का मान तीन दशमलव दो होगा और पहली प्रायिकता बताती है जबकि उत्सर्जित अल्फाकड़ की संख्या का जो है वो शून्य है तो इस दशा में जो इसका प्रायिकता धर्मांपन लिखा जा सकता है ई घात ऋण तीन दशमलव दो क्योंकि बाकी सब पदों का मान जो है वो इकाई हो जाएगा अतः प्रायिकता इससे इंगित की जा सकती है दूसरी दशा में जब वह संख्या एक है तो हम इसी प्रायिकता धर्मांपरण के सूत्र में अगर हम आई का मान एक रखेंगे तो वह देखते हैं कि वह हमें देगा तीन दशमलव दो गुणित ई घात ऋण तीन दशमलव दो इसी प्रकार अन्य पद तो इनको अगर हम सरलीकृत करें तो इसका सांख्यिक मान दशमलव तीन सात नौ नौ आता है इसका मतलब यह प्रायिकता लगभग अड़तीस प्रतिशत है कि दो से ज़्यादा कणों का उत्सर्जन नहीं होगा तो आपने ये समझा इसमें कि हम जब किसी भी प्रयोग में अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो सबसे प्रथम जो हमको करना होगा कि वो देखना होगा कौन सा विन्यास या कौन सा प्रकार जो विभिन्न चर का है वो उस प्रयोग में ज़्यादा प्रभावी रहेगा इसलिए उसका इस्तेमाल हमको पहले खोजना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम इच्छित प्रायिकता की गणना कर सकते हैं